चिली पनीर किसे पसंद नहीं। सब लोगों को चाइनीज़ क्यूज़ीन में चिली पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसी का आज मैं एक छोटा सा वेरिएशन लेकर आई हूँ, वो है चिली अरबी। अरबी यानी कि कोलोकाशिया। अरबी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इसे अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है क्योंकि अरबी का अपना कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो आज इसका मैं वेरिएशन कर रही हूँ चिली अरबी। मैं हूँ शेफ पूनम बिंद्रा एंड वेलकम टू माई चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारे नवे अपडेट्स के लिए और देख लीजिए चिली अरबी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। नज़र मारने के बाद अब हम तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक अनियन। अनियन को मैंने दो भाग में कट कर लिया है, साथ में ही उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है और अब मैं उसे पील करूँगी। याद रखिए जो ऊपर का वाइट हिस्सा होता है उसे ज़रूर कट कीजिएगा क्योंकि उससे कहा जाता है सर्दी भी होती है, तो इसलिए वो भाग निकालना अनियन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मैं अनियन डाइस कर रही हूँ। डाइस करने के बाद में मैं अनियन के अलग अलग फ्लेक्स सेपरेट कर दूँगी। इस तरीके से अनियन रेडी हो चुका है और अब मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल दूँगी। तो यहाँ पर अनियन को साइड में रखते ही मैं अपना अगला इन्ग्रीडियंट हाथ में लेने वाली हूँ, जो है ग्रीन कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम को भी हम फटाफट से कट कर लेंगे बीच में से और उसे भी डीसीट कर उसे भी इसी तरीके से हम डाइस कर लेंगे। ये सारे चंक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि एक कलर भी आएगा हमारे चिली अरबी में और ये क्रंची टेस्ट खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हमें इस तरीके से कट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहे और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रहे, जब पक जाए और हमें समझ ही नहीं आए कि इसके अंदर अनियन और कैप्सिकम भी है। तो देख लीजिए यहाँ पर फ्रेश ग्रीन कैप्सिकम को मैंने किस तरीके से कट कर लिया है। तो कैप्सिकम भी अब रेडी हो चुका है और इसे भी अब मैं सेपरेट बाउल के अंदर निकाल देती हूँ। तो हमारी दो इंग्रेडिएंट्स की तैयारी तो मैं कर चुकी हूँ, अब बारी आती है हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की, वो है ग्रीन चिली। चिली अरबी बना रहे हैं तो ग्रीन चिली तो हमने ऐड करनी ही है। इसे हम स्लिट करके लेंथ वाइज कट करेंगे क्योंकि कभी कभी किसी को जब चिलीज पसंद नहीं हो तो अगर लंबी कटी हो तो दिखने में भी आसानी हो जाती है और वो उसे डिस्कार्ड भी कर सकता है। सीड्स निकाल दें तो थोड़ा सा स्पाइसीनेस कम हो जाएगा और इस तरीके से चिलीज़ को लंबा लंबा आप कट कर लें। तो यहाँ पर हमारे चिली अरबी का थर्ड इंग्रेडिएंट भी रेडी हो चुका है, जो आपने देखा है हमने किस तरीके से कट किया है। चिलीज़ के बाद में हमारा अगला इंग्रेडिएंट आ जाता है, वो है हमारी रेड चिली। अगर रेड चिली नहीं हो तो आप और ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। अभी मौसम है रेड चिलीज का तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं एक थोड़ा सा कलर के लिए रेड चिलीज यूज़ कर लें। तो इस तरीके से ग्रीन एंड रेड चिली हमारी कट हो चुकी है। अब बारी आती है हमारा मेन इंग्रेडिएंट अरबी, जिसे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया है और इसे अब मैं पील कर रही हूँ। बॉईल करने के लिए आप पानी के अंदर नमक ऐड कर दें और अरबी ऐड करके उसे सिर्फ वन विसल तक ही पकाएं क्योंकि ज़्यादा ओवरकुक कर देंगे तो अरबी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो वन विसल तक पकाने के बाद इसे ठंडे पानी में रिंस कर दें, उसका बाहर का स्किन निकाल कर इस तरीके से उसे पाम्स के बीच में आप प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब हम डीप फ्राई करेंगे अरबी को तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से अरबी अब मेरी रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर थोड़े से चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ मैदा। मैदा थोड़ा सा ऐड कर दिया, साथ में ही हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो आउटर कवरिंग है उसे भी एक थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए। तो नमक, काली मिर्ची भी हमने ऐड कर दी है और अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इससे एक कोटिंग रेडी हो जाएगी अरबी के लिए, जिससे अरबी को फ्राई करना बहुत आसान हो जाएगा। अरबी को थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो अगर हम कोटिंग लगा देंगे तो उसका स्टिकीनेस भी हट जाएगा और बाहर का आउटर कवर इसका क्रिस्पी रहेगा। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो मैं फटाफट से इसके अंदर अरबी ऐड कर देती हूँ और इसे अब मैं डीप फ्राई करके निकाल लूँगी जब तक ये बाहर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं और अंदर से तो ये सॉफ्ट रहने ही वाली हैं। तो आराम से इसे मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम आंच पर आप फ्राई करें, बहुत ज़्यादा तेल गरम मत करना क्योंकि इंस्टेंटली बाहर का जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। और तेल का टेम्परेचर कभी भी चेक करना हो तो आप एक वुडन स्टिक तेल के अंदर डाल सकते हैं। वुडन स्टिक रखते ही अगर वो बबली हो जाए तो यहाँ इसका मतलब है कि तेल आपका अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अरबी यहाँ पे फ्राई हो गई है, एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर मैं इसे निकाल देती हूँ और आगे अब शुरू करेंगे इसकी सॉस की तैयारी। सॉस के लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। इसी के साथ अब मैं ऐड करने जा रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, जो बहुत सारा है क्योंकि अरबी
कोई अरबी का बेस लहसुन से ही बनने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन एंड रेड चिलीज। तो अगर आप चाहें तो जिंजर ऐड कर सकते हैं, कि मुझे जिंजर खास पसंद नहीं आता है इस डिश में। इसी के साथ यहाँ पे मैंने अनियंस ऐड कर दिए हैं जो हमने डाइस किए थे। हमें कोई भी इंग्रेडिएंट को ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हमें क्रंच तक ही इसे कुक करना है। बातें करते करते यहाँ पे कैप्सिकम भी ऐड हो चुका है, ये इतना कलरफुल दिख रहा है। और चलिए कुछ मसाले जैसे कि नमक, थोड़ी सी सोया सॉस हम ऐड कर देते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी रेड चिली सॉस कलर के लिए, स्पाइसीनेस के लिए हमने ऐड कर दी है। साथ में ही अब अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारी स्लरी। तो यहाँ पर ये मसाला तो हमारा अच्छे से पक चुका है। अब बारी आती है थोड़ी सी काली मिर्ची की फॉर स्पाइसीनेस एंड स्लरी। जैसे कि मैंने कहा था कॉर्नफ्लावर की एक थिन स्लरी हम बना देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर हैज़ द टेंडेंसी टू बिकम थिक, इसके लिए आप थोड़ा पतला भी रखेंगे तो भी जैसे ही ये ग्रेवी में जाएगा ये थिक हो ही जाएगा। इसे ऐड करने के बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे ताकि हमें एक ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मिल जाए। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह रेडी हो चुका है और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ हमारे मेन इंग्रेडिएंट जो है फ्राइड अरबी। इसी के साथ थोड़े से स्प्रिंग अनियंस हमने ऐड कर दिए हैं। बन गई ना झटपट से चिली अरबी। इसके बदले में आप चाहें तो इसी तरीके से आप चिली पोटैटोज बना सकते हैं, पोटैटोज को वेजेस कट करके उसे भी फ्राई कर सकते हैं और इसी मसाले में बना सकते हैं। साथ में ही हमारा ऑल टाइम फेवरेट चिली पनीर भी इसी तरीके से बनता है, उसे भी आप कोटिंग करके डीप फ्राई कर लें और इस तरीके से बनाएं। ये अमेजिंग टेम्पटिंग एंड बहुत आसान बनने वाली रेसिपी आप फिर से दोबारा से देख लें और घर पर बनाएं। सब लोग हैरान हो जाएंगे, समझेगा भी नहीं कि अरबी बनाई है। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नवे नवे रेसिपीज तो हम रोज ही लेकर आएंगे आपके लिए।